सब्सक्राइब कीजिए डेली ट्रेंडिंग न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। कॉमेडियन कृष्णा अभिषेक ने कास्टिंग काउच पर विवादित बयान दे डाला है। उन्होंने इसके लिए फीमेल को जिम्मेदार ठहराते हुए सारा ठेकरा उन पर फोड़ दिया है। उनका कहना है कि बॉलीवुड में कास्टिंग काउच नहीं होता, ये सब ब्लैकमेलिंग का मामला है। लड़कियां पहले तो खुद कांड करती हैं, फिर बाद में आरोप मनती है। एक इंटरव्यू में कॉमेडियन ने कास्टिंग काउच जैसे गंभीर मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, कास्टिंग काउच जैसी कोई चीज नहीं होती। फिल्म इंडस्ट्री में ये सबसे कम होता है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कास्टिंग काउच ज्यादा होता है। हमेशा हम पर ही उंगलियां उठाई जाती है क्योंकि हम लोग मीडिया में हैं। वो आगे कहते हैं, फिल्म इंडस्ट्री में कास्टिंग काउच नहीं, ब्लैकमेलिंग होती है। पहले तो लड़कियां खुद कांड करती हैं और फिर ब्लैकमेल करने लगती है, ये बिल्कुल गलत है। अगर ऐसा ही है तो कास्टिंग काउच कॉलेजों में भी होता है। कृष्णा ने सरोज खान के बयान पर भी कमेंट करते हुए कहा, जो उन्होंने कहा वो उनका नजरिया है, मैं उनसे सहमत नहीं हूँ। आप किसी एक की गलती पर सभी को बुरा भला नहीं कह सकते। अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।